नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भले ही पटना से चले गए हैं, लेकिन उनके जाने के बाद उनके भक्तों और उनके श्रद्धालुओं के भीतर उनकी श्रद्धा और उनकी जादू की कोई कमी नहीं हुई है। बता दें कि उनके जाने के बाद अब उनके कार पर लोग माथा टेक रहे हैं। यही कारण है कि उनके कार का पीछा करते करते श्रद्धालु सर्विस सेंटर तक पहुँच गए। तो देखिए, बागेश्वर धाम के बाबा पटना आते हैं, 3-5 दिन तक उनकी हनुमत कथा चलती है, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, बाबा जो है पर्ची लेते हैं श्रद्धालुओं के, जो उनकी जो परेशानी है, उनकी जो समस्या है उसे सुनते हैं और उसका निवारण करवाते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा जब पटना आए तो उन्हें लेकर के राजनीति भी खूब गरमाई। जहाँ एक तरफ राजनीति हुई, वहीं दूसरी तरफ उनके श्रद्धालुओं के भीतर उनकी श्रद्धा भी खूब देखने को मिली। अब बाबा जब पटना से चले गए तब भी उनके याद में और उनके श्रद्धा में जितने भी उनके समर्थक हैं वो उनके कार का माथा टेक रहे हैं। भले ही बाबा बागेश्वर पटना से चले गए हों, लेकिन उनके भक्तों पर उनका जादू इस कदर हावी है कि वो बाबा बागेश्वर की हर उस चीज को स्पर्श करना चाहते हैं जिसका इस्तेमाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया हो। शायद यही वजह है कि पहले होटल पनास के उस कमरे के दर्शन के लिए लाइन लग गई थी जिसमें बाबा बागेश्वर ठहरे थे, और अब श्रद्धालु उस कार के पीछे पड़ गए हैं जिस कार में बाबा बागेश्वर होटल से कथा स्थल के लिए जाया करते थे। उस कार के दर्शन करने और माथा टेकने के लिए भक्त सर्विस सेंटर तक पहुंच गए हैं। नौबत ये आ गई है कि कार पर माथा मार मार कर उसे डैमेज तक कर दिया गया है। बिहार बागेश्वर धाम के सचिव राजशेखर ने बताया कि भक्त इस कदर भाव विभोर हो गए हैं कि इस गाड़ी पर अपना सिर मार रहे थे। बाबा के आने से पूरे देश में सनातन की अलग तरंग फैल गई है, युवा धर्म के प्रति काफी जागृत हो गए हैं। गाड़ी के सर्विस सेंटर पहुंचने के बाद भी भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। बाबा बागेश्वर के इस्तेमाल गाड़ी के दर्शन की होड़ मची हुई है। कोई गाड़ी पर मत्था टेकना चाहता है तो कोई इसका एक झलक पाना चाह रहा है, जिसके चलते सर्विस सेंटर का काम भी प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि 13 से 17 मई तक बाबा बागेश्वर का पटना के नौबतपुर के तरेतपाली मठ में 5 दिनों तक हनुमत कथा का आयोजन हुआ था, जिसमें लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। हालत ये हो गई थी कि दूसरे दिन कथा को बीच में रोकना पड़ा। भीषण गर्मी और उमस के चलते पंडाल में भक्तों की तबीयत बिगड़ने लगी, कुछ महिलाएं बच्चे बेहोश हो गए थे, जिसके बाद बाबा बागेश्वर ने घर पर ही टीवी पर हनुमत कथा सुनने की अपील की थी। बाबा बागेश्वर की हनुमत कथा में बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए थे, जिसमें रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, रामकृपाल यादव, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, मनोज तिवारी समेत बड़े नेता कथा में शामिल हुए। हालांकि जदयू और आरजेडी के नेताओं ने इस कार्यक्रम में दूरी बनाए रखी। हनुमत कथा के आखिरी दिन धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम तो आज जा रहे हैं, लेकिन वादा करके जा रहे हैं कि हम फिर आएंगे। बिहार में बहुत आनंद आया, यहाँ हनुमान जी की इतनी कृपा बरसी कि सब भूत भाग गए। आप सब मेरी आत्मा हो, जब तक मेरे तन में प्राण रहेंगे तब तक मैं बिहार आऊंगा। बिहार में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का जादू भक्तों पर इस कदर चढ़ा कि अब उनके इस्तेमाल की गई गाड़ी के सर्विस सेंटर तक पहुंच गए हैं। तो देखिए, बागेश्वर बाबा एक ऐसा नाम है जो कि जिन्हें सिर्फ चमत्कारी पुरुष ही नहीं बल्कि अब तो उन्हें धर्म का रक्षक भी कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा ने जिस कदर बिहार में आकर के हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म का परचम लहराया, उसके बाद और उन्होंने ये भी अपील कर दिया कि वो बिहार बार बार आएंगे, और कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम यानी मैं अगली बार जब बिहार आऊँ तो मुझे ये दिखना चाहिए कि आप में से ज्यादातर लोग अपने माथे पर तिलक और घर के सामने धर्म का ध्वजा फहराएं। बाबा बागेश्वर जो है पटना से चले तो गए हैं, लेकिन उनकी जो जादू है, उनकी जो श्रद्धा है, वो लोगों के भीतर घटती नहीं दिख रही है। लोग उनके 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 कार को छूने के लिए, उनके कार के दर्शन करने के लिए सर्विस सेंटर तक पहुंच गए और कार के बोनट पे माथा मार मार के उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।